दोस्तों आप चीन को तो जानते ही हैं, वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। हिंद महासागर में अपना दबदबा बढ़ाने के लिए चीन ने सक्रिय बढ़ा दी है। वास्तव में हिंद महासागर के लिए चीन ने अलग रणनीति अपना रखी है। एक चीन अपने दोस्त पाकिस्तान के साथ मिलकर गतिविधियां बढ़ा रहा है। इसके लिए वह अरब सागर में समुद्री अभ्यास पर फोकस कर रहा है। पायरेसी के खिलाफ मिशन में पनडुब्बी को उतारना काफी चौंकाने वाला कदम है। वैसे भी चीन की हरकतें ऐसी रही हैं कि उस पर आसानी से भरोसा नहीं किया जा सकता है। वह कहता है कि रिसर्च हो रही है, बाद में पता चलता है कि जासूसी हो रही थी। कुछ महीने खबर आई थी कि चीन की एक जासूसी शिप शियान 6 कोलंबो पोर्ट पर रुकी थी। लंका के पोर्टों पर चीन के दोहरे उद्देश्य वाले जहाज रुकने से भारत का अलर्ट होना लाजमी है। मोदी सरकार ने भारत के जेम्स बोर्ड कहे जाने पर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को एक खास मिशन सौंपा है। अजीत डोभाल इस काम में माहिर हैं। वह 6वें कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव में शिकायत करने के लिए मॉरिशस पहुंचे हैं। वह सदस्य देशों के बीच क्षेत्रीय समुद्री सहयोग बढ़ाने पर जोर देते रहे हैं। यह प्लेटफॉर्म महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हिंद महासागर के 4 प्रमुख देशों को करीब लाता है। यह मौका है जब भारत श्रीलंका मालदीव और 4थे सदस्य मॉरिशस से मन की बात कर सके। वैसे भी चीन के कर्ज के जाल में छोटे द्वीपीय देशों को फंसाने की रणनीति अब दुनिया को पता चल चुकी है। भारत ने करके दिखाया है कि जब किसी पड़ोसी देश को मदद की दरार होती है तो वह हमेशा बड़े भाई की भूमिका निभाता है और पहले ही पहुंचाता है। इस बार भी क्षेत्र में समुद्री चुनौतियों का जिक्र होने पर NS ने दोहराया कि भारत पहले प्रतिक्रिया देने वाले देश में रहेगा।